गाइस, हो रहा है रात का 9:15 और मम्मी यहाँ बना रही है। कहाँ गई ये? कितना बना रही थी? 9। कौन सी बनाई थी? वो ब्लैक, इसमें तुम छौकती हो कुछ? इसमें तुम एक बार यूट्यूब का वीडियो बनाई थी, याद करो। नॉनवेज हो गया था? हाँ। पता है हम कूड़े दान लेके ढक रहे हैं। क्यों? अड़वा गिरा तो नहीं दिए? नहीं नहीं बन पाएगा, मम्मी का फोन कोमा में चला गया। मेरा फोन खराब हो गया गाइस। वो बोलेगी कि ज्यादा छेड़खानी की है तो वो खराब हो जाएगा। तुमको साथ में सब उबालना चाहिए, तुम में से एक एक करके उबाल रही हो। फ्राई कर रहे हैं? वही फ्राई कर रहे हैं, हम एक साथ फ्राई करते हैं। वैसे एक एक करके चार चार फ्राई करने लगे तब तो बीत गया मेरा टाइम। अभी टाइम हो रहा है 12:30। तीन आई? हाँ बाबा खा लिए। नहीं तुम खा दो, अपना फलाहार बनाए, भूख लगा हमको। ये पापा के नहीं है, इधर पापा के रख दे ना। हमको चावल एकदम कम देना। और ये लो, तुम लोग मेरे साथ चावल खाना शुरू किए? नहीं 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 मम्मी, रोटी कितना दे दो? नहीं तीन थे तो चार ले लो। दे दो चार रोटी। हाँ चावल कम ले लो। एकदम चुटकी भर चावल देना। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखिए, इनको देखिए, मेरे पति देव आ गए, मतलब बिहारी लुक में। वक्त से ही पढ़ाई होती है। लोग कहते हैं क्या कि फोन से बच्चे बिगड़ते हैं, इसलिए फोन मत दिया करो। अभी बताइए, सारा होमवर्क तो फोन पे ही आता है, हैं? सारा होमवर्क तो फोन पे ही आता है, तो फोन नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या हुआ आपको? हम लोग भाई सो के उठ गए, नींद आ गया था। आज मेरा व्रत है, जबकि हम कुछ अभी तक खाए नहीं है, बस खाए हैं चाय पिए हैं, बस सो के उठे। चले देखे, इसके पापा चाय मांगे हैं, चाय इनको दे दें। चल देखिए अम्मा क्या कर रही हैं। एकदम अंधेरे में आप लोग सोई हैं, ये देखिए। इनको देखिए, जमीन पर सोई हैं। क्या कर रही हो? अरे पापा के लिए शरबत बनाना है। अभी तुम चाय बनाने वाली थी? पापा बोले नहीं, गरीब बहुत है, ये शरबत बना दो। मेरे ही बना देना। हाँ तो ले फलाम लोग बनाएंगे अपने। क्या देखो फुला के, अच्छा वो साबुदाने का वो क्या पोहा, ये आ गया शरबत। क्या हुआ है तुमको? क्या हुआ मम्मी को? पूरा दिन बीत जाता है घर काम करने को, ठीक है? और सुबह से व्रत है, सिर्फ एक चाय पिए है। ये नहीं पूछा कि तुम क्या खाई हो क्या नहीं, करती क्या हो तुम? घर खा लो। जा खाएंगे ना तो फिर हो जाएगा अच्छा खासा। चले एक दिन नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। बनाने चाहिए क्या? हाँ बना देंगे, साबुदाने का पोहा। ये हम डाले थोड़ा सा तेल और इसको गर्म होने का इंतजार करते हैं। तो कितना गर्मी है किसम, ये क्यों नहीं चलाई हो यार तू? पता है गर्मी इसी हो तो नहीं कुछ खाने की इच्छा हो रहा है। अगर ये जाड़ा के दिन रहता तो कितना आदमी खा पी लिया होता अब तक। हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, छोटा सा ये हम बता रहे, आलू टमाटर धनिया मिर्ची और ये थोड़ा सा मूंगफली। बहुत धीरे धीरे बोलती है ये, सीढ़िया ट्रेन निकल जाएगी इतने में। आलू भून लिया, इसमें डालेंगे टमाटर, तो जब पक जाएगा तो ये डालेंगे। ये देखो 4 घंटा पहले भिगो दिए हैं,
इसमें उतना ही पानी डालना है जितना ही पानी, मतलब कि उसी पानी में ही फूल जाए। देखो ऐसा जब वो कैसा हो जाए, देखो ऐसे। अब इसको देखिए, देखो, और इसी में ये भूजा हुआ मूंगफली डाल दो। ये तुम्हारा हेल्थी हो गया। अब इसको नाश्ता ये कर लेंगे ना तो एकदम पेट भर जाएगा इसको। ये रहा केना नमक, गाइज यहाँ बन के तैयार चुका है। मैं आपको एकदम मत्तु मच्छू हम दिखाते हैं। इसको खाएंगे ये। तुम लोग का भी रखा हुआ है, जरा खा के बताइए। बहुत गर्म, थोड़ा सा खा के देखिए। बहुत चलो गाइस व्लॉग को एंड करते हैं। अब मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, नमस्ते।